अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है मेरे सब दोस्त ठीक ठाक होंगे। ये आज मैंने आप सब दोस्तों को खेल दिखाया है देसी जुगाड़, देसी तरीका, मकई सिट्टा खेलने का तरीका। इसके ऊपर आपको डमरा, थैला, मोरी, मोराक, आपको जितनी भी कारफिशर, कारफिश फैमिली है वो सब इसके ऊपर आपको लगेगी और बहुत तेज़ से अट्रैक्ट होगी और बहुत तेज़ से इंशाल्लाह बैठ देगी, खसूसी उस जगह पर जहाँ पे आप लोगों को काट बहुत ज़्यादा मिलती है। पता लग जाता है आजकल पानी में, दरिया में, नहर में काट बहुत ज़्यादा है, डालो चारा फारिग हो रहा है और कोई बात नहीं बन रही। तो ये 5 कुंडी है, ये देखो ऐसा नहीं है, मैं आप सोचते हो ना कि इफ्तिखार भाई हमारे वेट पीछे होते, भाई ये वेट पीछे है, ये कांटे आगे हैं, देख रहे हैं आप, ये वेट पीछे कांटे आगे। ये सब खेल पानी हम खुद भी खेलते रहे और खेलते हैं वक्तन वक्तन, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खेलते। तो लिहाजा जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली यार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाते हैं। अब ये जो है आपने जो इसका पूरा खेल पानी है ना, ये आपको बड़ा अच्छा माशाल्लाह इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये मेरा देसी पौधा बना हुआ है जी, ये बिल्कुल देसी स्टाइल के अंदर, ये देखिए। तो ये जब आप खेलेंगे दरिया पे, नहर पे, डैम पे, माशाल्लाह मौज करेंगे, खास उस वक्त के अंदर, आप जिस वक्त के अंदर पानी के अंदर काट बहुत ज़्यादा होगी और आपकी बाइट और जो चारा जो है वो टिकता नहीं है। तो दोस्तों अब ये बनना कैसे है, उसका खेल पानी कैसा होगा, चलते हैं वीडियो की तरफ। चलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये आज मैं आपको बनाने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ मकई, मकई का खेलना, मकई के दानों का खेलना, छल्ली सिट्टा खेलना। ये बॉयल हुई भी है, बॉयल की भी है, ये मकई है। एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखा करें और बात का ध्यान रखा करें, जिस वक्त आप शिकार पे जाते हैं अक्सर औकात बसरों को बहुत ज़्यादा काट होती है, इतनी काट होती है कि आपने डोर लगाई, चारा लगाया और चारा लगाया तो डोर फ़ौरन से पहले फारिग हो गई। अब जब इतनी आपकी काट हो रही होगी तो भाई क्या आपको शिकार होगा। फिर दूसरा जो है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम होती है, बार बार उठना, बैठना, लगाना, फेंकना, 2 मिनट में लगाया फारिग, 2 मिनट में चारा लगाया फारिग, 2 मिनट में लगाया फारिग। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही होती है दरिया में भी, डैम में भी होता है, दरिया में बहुत ज़्यादा होता है, ये काट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। तो आज ये मैं आपको मकई छल्ली खेलने का तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा। चीज़ें किस लिए बनाई थी आप सब दोस्तों ने? इसलिए बनाई थी ना ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोगों को फ़ायदा हो, अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए। चलो जी चलते हैं। ये देखिए जी, ये मकई है, ये मैंने डब्बी ली, ये बर्तन ले लिए मैंने, इसमें थोड़े से मैंने ऐसे ये डोर ले ली। दो से ही कहते हैं ना जी, मैं चार, हम 4 कुंडी खेलते हैं जी, 3 कुंडी खेलते हैं जी, 2 कुंडी खेलते हैं जी, ठीक हो गया। ये मैंने वैसे पुरानी मेरी डोर यहाँ पे पड़ी हुई थी तो मैंने वही डैमो के लिए उठा ली है, ये लीजिए जी। ले जी, ये मैंने निकाल के रख ली जनाब डोर। असल में डोर है पुरानी और ये ले जी, ये सीधी कर ली। देखो कितना पुराना खजाना निकाला है मैंने। अब हमने करना क्या है ये देखिए दोस्तों, यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। ये लीजिए, ये मैंने कुंडी ली, कितने प्यार से चढ़ रही है देखते जाए आप। लो मेरे दोस्तों, लो जी, ये मैंने इस तरह से इसको चढ़ा दिया गैप गैप में, ठीक हो गया। ये लीजिए, सॉफ्ट चीज़ है और उंगली को बचा के आपने चलना है, अपनी उंगली का भी ख्याल रखना है। ये लीजिए, ये फायदा आपको कब देगा, जब आपके पास खेल पानी के टोटल आपकी सहूलतें, आपकी चीजें आपके पास मौजूद होंगी।
ये देसी जुगाड़े हैं, देसी तरीके हैं। अब आप कहेंगे सर भाई छल्ली तो भून के ये दिखाई नहीं, सिट्टा जो है कॉर्न तो आपने हमें भून के दिखाया, बॉयल करके दिखाई नहीं। मैं इसका बड़ा आसान रास्ता तरीका आपको बता दूंगा, खज्जल होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको भाई, परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये लीजिए, ये ऐसा नहीं है कि कुंडी से उतर के गिर जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं लेनी भाई। एक ही दफ़ा डालें, बाइट मिलेगी तो निकालना है इसको पानी से बाहर, विदाउट बाइट आपको खींचने की ज़रूरत नहीं। दिल करे चेक करने का तो कर लीजिएगा। ये लीजिए, हालांकि मैंने टूटा हुआ दाना था वो भी चढ़ा दिया इसके ऊपर। ये लीजिए, ये लीजिए मेरे दोस्तों, ये लीजिए, ये बन के तैयार हो गया है फेंकने के लिए। अब इसको करना क्या है, लीजिए जी, अब अगले इसके हम चलते हैं। ये मैंने डब्बी में इसको रख लिया जनाब, ये 5 कुंडी है, मैंने 3 कुंडियाँ इसके अंदर रखी जनाब। ये लीजिए, ये 5 कुंडियाँ मैंने इसके बीच में रख दी। ये मैंने क्या किया जनाब, ये क्या था कुछ याद आ रहा है मेरे दोस्तों? ये है चंबा तेल की लाग, ये जो हमने बनाई थी। ये लीजिए, ये मैंने ली और ये मैंने एक एक कतरा सबके ऊपर डाल दिया। ये लीजिए, कितना डाला है, एक एक कतरा बस। ये लीजिए, ये हो गया इसका काम, ये एक एक कतरा मैंने इस पे चंबे का तेल की लाग का डाल दिया जी। अच्छी तरह इसको मैं मिक्स करूँगा। ये लीजिए, ये है हमारा क्या चीज़, लाग, अंगूर की लाग है वो, तेल की लाग थी। ये लीजिए जी, ये मैंने लाग ली, अब इसमें से थोड़ा सा मैंने इसका इतना सा टेक्सचर, ये जो मिक्सचर इसका था, ये ये लीजिए इसका ले लिया, ये मोटा सा अंगूर इसमें डाल दिया और ये मैंने इसके ऊपर ऐसे हल्का हल्का डाल दिया। ये दोस्तों मैंने इसके ऊपर डाल दिया और इसको मैंने इसमें ये पकड़ के इसको ऐसे मिक्स कर दिया। अगर ये मेरी मकाई सही ना होती ना, जितनी मैं ज़ोर से इसको रगड़ रहा हूँ और हिला रहा हूँ, ये इस पे से दोस्तों उतर जानी थी। ये लीजिए, ये अच्छी तरह से इसके ऊपर लग गया जी। ये लीजिए जी, ये आपका खेलने के लिए तैयार है जी, आपके खेल पाने के लिए चीज़ तैयार है। इसकी खूबसूरती देखिए, ये देखिए जी, ये रिज़ल्ट वाली चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ माशाल्लाह, जिस पे आपको अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और कम खर्च, बाला नशीन काम है। और इसका आपने करना क्या है, ये आपको इजीली छल्ली स्कूलों के बाहर बच्चों को सेल करने के लिए खरीदी, आपने कोई मसाला चीज़ नहीं लगानी, उनसे आपने 20-30 रुपये की जो छल्ली अच्छी सी लेनी हो वो ले लीजिएगा, ठीक हो गया। और घर ला कर उसको दाने आपने उतार देने छुरी से, ये आराम से उतर जाते हैं। और उसको उतार के पूरे मैंने ये तरीक़ेकार आपको बता दिया, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।